तुम्हें इंडिया अच्छा लग रहा है? ये मेरे को तो इंडिया ही अच्छा लगता है। आपको ये अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। साफ सफाई है, साफ सफाई है ना यहाँ पे? यहाँ पे ये जो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर वर्कर कैसे है? साफ बिल्कुल अच्छे हैं। इंडिया में होते हैं क्या ऐसे? यहाँ के बाथरूम वगैरह कैसे हैं? बहुत बढ़िया, साफ बिल्कुल साफ। इंडिया में अच्छा है ना? मेरे अपार्टमेंट जो लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपार्टमेंट जो लिया है मेरा, आपको देखो सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। ये है मेरा अपार्टमेंट। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शुभम और मैं अभी रशिया में हूँ, तंबाओ में। मेरे पापा मम्मी आए हुए हैं मेरे साथ में। और देखो, एक जो एडवांस रहता है ना, पापा मम्मी रहते हैं घर पे, तो क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं दिखाता हूँ। मम्मी मेरे लिए खाना बना रही है देखो, और वो मेरी फेवरेट सब्ज़ी, वो करेले की सब्ज़ी बन रही है, भरवे करेले जो मम्मी इंडिया से लेके आई थी मेरे लिए करेले। और पूरी साफ़ सफाई कर रही है किचन की, सब कुछ चीज़ें धो रही है, मेरे तो गंदे ही रखे थे। अभी आऊँगा तो खाना मिल जाएगा। मेरे को मना कर रहा हूँ कि खाना मत बनाओ। मैंने बोला है कि आप रोटी मत बनाना, मैं आऊँ तक बनाना, क्योंकि यहाँ पे जो आटा है वो अलग है और गैस भी थोड़ी अलग है, मतलब इंडिया जैसी नहीं है। और तो मैं सोच रहा हूँ समझा दूँ कैसे बनाना है, क्या करना है। तो अभी देखते हैं, अभी मैं आता हूँ तो शायद रेडी मिले या फिर मैं बनवाता हूँ, क्योंकि मैंने मना तो करा है। जो करेले बन रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज देखो, मैं ना अभी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, तो वहाँ पर आके सब दोस्त ये बोल रहे हैं तुम जाओगे ना घर पे तो तुम्हें तो खाना बना बना मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। और यहाँ आया हूँ, मम्मी ने रोटी बना के तैयार रख दी है और सब्जी वो भी बना के तैयार रख दी है ना, ये सब्जी बना के तैयार रख दी है और पूरी किचन क्लीन कर दी सब। मतलब मैं मना कर रहा हूँ कुछ मत करो, पर सब कुछ क्लीन कर दिया, सब कुछ एकदम क्लीन कर दिया। तो देखो, ये अभी हम ना अमरस बनाने वाले हैं, कि मम्मी लेके आई थी आम वहाँ से, इंडिया से मोटे मोटे, तो अभी हम अमरस बनाएंगे। तो मेरे तो दिन अभी मस्त हो गए, टेंशन नहीं खाने पीने की, मम्मी बना देती है हर चीज़। मम्मी कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। मौसम कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा। अच्छा है ना मौसम? अच्छा। देखो अभी देखो, आप वीडियो अच्छी लगी ना लाइक ज़रूर कर देना, अभी बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हमने ना ये बना लिया, ये क्या बोलते हैं, आम रस, आम लेके आए थे, एक और आम बचा हुआ है मोटा सारा, उसका हम कल बनाएंगे। अभी मज़ा आएगा आम रस खाने में, करेले की सब्जी मेरी फेवरेट सब्ज़ी, आम रस, रोटी, आज मज़ा आएगा खाने में। ये सब्जी है देखो, अभी मम्मी है ना यहाँ पे मेरे लिए मठरी बना रही है, बोल रही जरा ट्राई करते हैं, यहाँ की मैदा सूजी वगैरह से मिला के मठरी बना रही है। तो बहुत सारे सामान बन रहे हैं मेरे, आए दिन नए नए पकवान बन रहे हैं मेरे लिए। तो अभी रात हो रही है और हम जा रहे हैं घूमने, शाम को 9-10 साढ़े नौ बज गए। हमारी अभी सोची की ट्रेन है, 2 दिन बाद हम जा रहे हैं सोची। फिर कैसा लग रहा है यहाँ पे मौसम, कैसा है मम्मी? बहुत अच्छा, मौसम बढ़िया है ना? बढ़िया मौसम है, अच्छा मौसम, मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे घूमने। सर्दी वर्दी गर्मी वर्मी कोई टेंशन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी बस। मेरे पापा मम्मी मेरे साथ में हैं और अभी हम है ना सोची जा रहे हैं। अभी ट्रेन है तंबाओ से, 30 घंटे लगेंगे हमें सोची जाने में। तो हमने कब सारी पैकिंग कर ली, मैं घर पे वीडियो बनाना भूल गया क्योंकि हमें ना थोड़ा लेट हो गए थे और जल्दीबाजी में सब कुछ, मैंने आज सैंडविच वगैरह बनाए और पैकिंग वगैरह करी तो उसमें थोड़ा लेट हो गए। अभी हमारी ट्रेन है तंबाओ से डायरेक्ट सोची और 30 घंटे लगेंगे हमें ट्रेन के अंदर। और अभी हम देखो ये रेडी हो चुके हैं, बैठे हैं यहाँ पर रेडी होके, हमारे लगेज वगैरह है, सामान वगैरह सब ले लिया। अभी 30 घंटे का सफ़र है, 30 घंटे यानी मैं आज चल रहा हूँ तो परसों पहुँचूँगा मैं। सारे टाइम ट्रेन में ले रहा है, मतलब एक ही ट्रेन है, ट्रेन बदलनी नहीं है। दोस्तों अभी हमें ना ट्रेन में बैठ चुके हैं, ये ना पापा बैठे सामने और ये मम्मी बैठी है। अभी रात के 11 बज गए, मतलब 11 बजने में 2 मिनट बाकी है और ट्रेन रवाना हो चुकी है, 12 अंधेरा हो रखा है। 30 घंटे लगेंगे हमें, 30 घंटे तो इसी में रहना है, मतलब कल पूरा दिन हम यहीं रहेंगे है ना, और परसों पहुँचेंगे सुबह मॉर्निंग में। तो ये पूरी हमारी ये बोगी है, ऊपर वाली बोगी में कोई आया नहीं है अभी, तो कोई आएगा, अभी तक तो कोई नहीं आया। कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया लग रहा है। कभी बैठे हो इतनी लंबी? नहीं नहीं, इतनी लंबी ट्रेन में नहीं बैठे तुम यहाँ? नहीं, पहली बार बैठ रहे हैं इतने लंबे सब आ रहे हैं। देखते हैं अभी बोर होते क्या होता है, खाना वाना तो अपन सब ले आए। ये ना ट्रेन चल रही है, मैं ट्रेन में है हम और पापा भी खाना खा रहे हैं, मैंने भी खाया है। देखो मैं दिखा दूँ आपको, मैं सैंडविच बना के लेके आया था, पापा भी खा रहे हैं। ये सामान है सारे खाने पीने का। अभी हमें अभी तो 10 घंटे हुए हैं, हमें 20 घंटे और बैठना है,
बेसिक इसका टेस्ट सी ट्रेन में बाहर का नज़ारा दिखाऊं, कितनी हरियाली है ना यहाँ पे, देखो एकदम हरियाली है और बड़े बड़े मैदान आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत बड़े बड़े, और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है अभी तो। सोची में भी खास ऐसा ही मौसम हो। पापा से पूछते हैं कि कैसा लगा रशिया इनको देखने के बाद, तो कैसा लगा रशिया? बहुत अच्छा है रशिया। ऐसे कैसा है देखने में? बहुत सुंदर है, बहुत हरियाली हरियाली चारों तरफ, बहुत अच्छा है। अच्छा है। मम्मी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है पर सफ़र बहुत लंबा है। सफ़र लंबा है पर बाहर से देखने में कैसा लग रहा है देखो? बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा बढ़िया है। बाहर का नज़ारा अच्छा है ना? अच्छा है बाहर का नज़ारा। सैंडविच कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं सैंडविच। पापा आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं सफ़र में सैंडविच। दोस्तों अभी ना सुबह हो चुकी है और पूरा 32वां घंटा चल रहा है, और अभी हम 15 मिनट बाद में सोची पहुंच जाएंगे। मम्मी परेशान हो गई है ना? मम्मी परेशान? पापा तो ठीक है, मम्मी परेशान हो गई, मतलब लंबी यात्रा करी थी। देखो ये समुद्र है पूरा सोची का, ब्लैक सी जो है, काला समुद्र है, ब्लैक सी है पूरा। 2 घंटे समुद्र किनारे चल रहे हैं। 2 घंटे हो गए समुद्र किनारे चल रही है, तो देखो बड़ा सारा बहुत बड़ा है। मैं पिछली बार भी आया था यहाँ पे और इनको आज घुमाने लेके आया हूँ। बहुत शानदार सब खूबसूरत सा समुद्र है ये। वेल मछली रहती है, मम्मी कह रही वेल मछली रहती इसमें। यहाँ लोग वहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो अभी मैं पहुँचूँगा, मैंने यहाँ अपार्टमेंट ले रखा है, जैसे ही मैं उतरूँगा उसके बाद मैं टैक्सी वगैरह बुक करके अपार्टमेंट पे जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको कैसा है अपार्टमेंट। बस ये है कि अभी थक गए हैं, जाके नहाएंगे धोएंगे। मम्मी भी थक गई है, मम्मी ज़्यादा थक गई ना? मम्मी बहुत ज़्यादा। तुम्हें इंडिया अच्छा लग रहा है? ये मेरे को तो इंडिया ही अच्छा लगता है। आपको ये अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। साफ सफाई है, साफ सफाई है ना यहाँ पे? यहाँ पे बैग, ये जो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर वर्कर कैसे है? साफ बिल्कुल अच्छे हैं। इंडिया में होते हैं क्या ऐसे? नहीं। यहाँ के बाथरूम वगैरह कैसे हैं? बहुत बढ़िया, साफ बिल्कुल साफ। इंडिया में का रेड साइन अच्छा है। देख लो अभी इंडिया में जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो साफ सफाई रखा करो, आपकी भी जिम्मेदारी है। जो भी लोग अगर जाते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि काम करने की वालों की जिम्मेदारी नहीं होती। यहाँ पे सब साफ सफाई करके रखते हैं एकदम साफ से। तो अभी हम तो मैं आपको बताता हूँ जब मैं उतर जाऊँगा उसके बाद में। तो अभी हम सोची पहुँच गए हैं। सोची पहुँच गए, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। बरसात आ रही है अभी, मैं बाहर जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि बरसात रुक जाए, क्योंकि टैक्सी बुक करनी है। टैक्सी बुक करने के बाद में हम अपार्टमेंट जाएंगे। थक गए हम सब के सब, थक गए ना मम्मी हैं? पापा आप? पापा तो ठीक है, मम्मी थक गई। 32 घंटे बहुत होते हैं, 32 घंटे पहली बार इतनी लंबी ट्रेन में बैठे हम, पर ये कि सोते हुए आए थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था रशियन ट्रेन में, जैसे इंडिया में होता है ना वैसा नहीं है कुछ भी। यहाँ पे आराम से आए हम, और अभी मैं टैक्सी बुक करूँगा, अपार्टमेंट में जाऊँगा जहाँ पे लिया है, और बस ये कि अभी जाके नहा धो के फिर एकदम फ्रेश होएंगे, कि मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई है, चाय वाय पियेंगे वहाँ पर बना के। गए
तो अभी मैं ना मेरे अपार्टमेंट जो लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अपार्टमेंट जो लिया है मेरा, आपको देखो सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। ये है मेरा अपार्टमेंट, देखो ये बेड बन जाता है, ये भी बेड बन जाते हैं, दोनों सोफे बेड बन जाते हैं। और ये है टीवी लग रही है, किचन है छोटा सा, इसके अंदर ही सब कुछ है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, देखो ये ओवन है, ओके, ये है ही माइक्रोवेव, ये फ्रिज है, और ये वॉश बेसिन है, ठीक है। ये सब कुछ सामान है, इनमें पहले से ही देते हैं यहाँ पे रशिया में। ये देखो ये सब कुछ रखने का है। और यहाँ से बाहर का नज़ारा आप देखोगे कितना शानदार नज़ारा है बाहर का। सामने जो है वो समुंदर है, सामने समुंदर है, और ये सेंटर के अंदर है। नीचे का नज़ारा देखो आप, इतना अच्छा नज़ारा है ना यहाँ से दिखने में, एकदम मतलब मज़ा आ जाता है। सामने आप खड़े होते हैं तब देखो कितना मस्त नज़ारा है। ये पहाड़ों के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग है ये, वो देखो ट्रेन जा रही है सामने से, और वो सामने है ना वो पूरा समुंदर है, वहाँ पे भी जाएंगे हम समुंदर पे। अभी हम आए हैं, थक गए हैं। आपको यहाँ का बाथरूम वगैरह भी दिखा देता हूँ मैं, ड्रेसिंग रूम और बाथरूम। ये देखो ये बाथरूम है यहाँ का, ये बाथरूम है, ये टब है, वॉशिंग मशीन, टॉयलेट, वॉश बेसिन, और ये शावर रूम, ये बाथरूम है यहाँ का, ओके। देखो और ये ड्रेसिंग रूम है यहाँ का, ये देखिए। तो अभी गाइस ये था मेरा टूर। अभी आगे की वीडियो जो बनेगी वो आपको बताऊंगा, हम जब जो घूमने जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और ये बताओ कि अपार्टमेंट कैसा लगा यहाँ का, या अपार्टमेंट लिया है मैंने मम्मी पापा को रखने के लिए, आप मुझे बताओ कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।